एनालिसिस सर्विस। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल ट्रांसपोर्ट, जो कि आपके फंक्शन है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जैसा कि आप जानते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में आता है सेल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो देखो बच्चा, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह क्या करती है, सेल के मटेरियल को सेल से बाहर या अंदर लेकर जाती है। जैसा कि आप देख लो, जैसे मान लो कि ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वह क्या करेगी कि ये सेल का मान लो इनसाइड है, ये इनसाइड है और ये मान लो आउटसाइड है। ओके, तो देखो वह क्या करेगी कि किसी भी मटेरियल को, जैसे मान लो ये जो मटेरियल है इसको क्या करेगी, अंदर से बाहर ले जाएगी, या फिर अगर बाहर में कुछ मटेरियल है, इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो भी है, उनको वह क्या करेगी, बाहर से अंदर ले जाएगी। इसी तरह के जो ट्रांसफ़र हो रही है बच्चा पार्टिकल्स की सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। तो देखो बच्चा, इन दिस प्रोसेस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस पैसेस पास टू अदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। जैसे कि हमने क्या कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह आपका एक फिक्स पॉइंट, अब इसको अगर मान लो तो क्या है कि यहाँ से यानी सेल के अंदर से कोई सब्सटेंस जो है, कैसे सब्सटेंस, तो भाई जो जरूरी सब्सटेंस होंगे, या तो एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, तो उसे सेल के अंदर से सेल के बाहर ले जाना, और बाहर से कोई अगर ज़रूरी अगर हार्मोन है या फिर प्रोटीन है, एंजाइम है, या कोई और अदर अगर सब्सटेंसेस है, तो उसको बाहर से अंदर लेकर आना, यही काम होता है आपके इस मूवमेंट के प्रोसेस में। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि प्रोसेस है ये किसका, सब्सटेंस के मूवमेंट का प्रोसेस है, जिसमें आपके क्या होंगे, सब्सटेंस पास करेंगे एक साइड से दूसरे साइड आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, चाहे वह इनसाइड हो या आउटसाइड हो। ठीक है, अब देखो, समटाइम्स सब्सटेंस और पार्टिकल्स पासस थ्रू द फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड अदर टाइम्स दिस पार्टिकल्स रिक्वायर सपोर्ट ऑफ अदर सच एज अ प्रोटीन चैनल और अदर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वर्क एज अ गेट वे दैट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस पासेस टू अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो देखो बच्चा, जैसे कि अगर हम बात करें कि कभी, जैसे कि देखो आप अपने घर में अगर जाते हो, ठीक है, मान लो आप घर से बाहर गए, तो जिस तरह से आप घर से बाहर जाते हो, इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप घर से बाहर जाते हो कुछ सामान लाने के लिए, कोई काम रहता है आप बाहर जाते हो, ठीक है, तो आप घर से बाहर गए, सामान लिया बाहर से, फिर आए और घर के अंदर घुसे, तो आपके घर का जो गेट जो है बच्चा, आपके घर का मान लो कि ये गेट जो है यही आपका मेन है ना, अगर आप इस घर, इस गेट के अंदर हो यानी कि आप घर में हो, और अगर मान लो आप इस गेट के जैसे ही आप बाहर जाते हो, आप क्या कहलाते हो कि आप घर के बाहर हो। ठीक है, ठीक उसी तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बच्चा, वह बिल्कुल हमारे घर के दरवाजे की तरह होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप जिस तरह से आप क्या करते हो, ज़रूरत पड़ने पे आप बाहर से अंदर जाते हो, अंदर से बाहर आते हो, ठीक वैसे ही सब्सटेंस जो है वो भी क्या होते हैं, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आते हैं या फिर उनके थ्रू सेल के अंदर जाते हैं। अब देखो, ये तो रही सिंपल सी बात। अब अगर बात की जाए कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चा, समटाइम्स वो आपके क्या होते हैं, वो आपके फॉस्फोलिपिड जो है बच्चा, फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर थी हमने पढ़ा था ना, आपके फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, आपके ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो उसमें जो बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड की, उसके थ्रू जो है पार्टिकल्स जो है बच्चा, वह क्या हो जाते हैं, वह पास आउट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनको एक स्पेशल क्या चाहिए, उनको एक स्पेशल रास्ता चाहिए होता है, जैसे कि हम लोग प्रोटीन चैनल बोलते हैं, जो कि एक अलग तरह का मेम्ब्रेन होता है प्रोटीन का, जो आपके, आप बोल सकते हो कि यह एक तरह के गेटवे की तरह काम करता है, जो कि उस पार्टिकल को अलाउ करता है कि वह
क्या कर सके, वह एक साइड से दूसरे साइड मेम्ब्रेन के थ्रू वह जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मान लो आप मंदिर जाते हो, कॉमन सी बात है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप या हम लोग में से कोई ना कोई कभी ना कभी एक कोई फेमस जो मंदिर होती है बच्चा वहाँ पे तो गए होंगे। चलो मैं आपको एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपके काशी विश्वनाथ मंदिर की, ठीक है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में बच्चा जैसे कि क्या था, आज से कुछ समय पहले की बात, अगर कुछ साल पहले की बात करें, लोग जो थे वो लंबे लंबे लाइन लगाते थे, उनको बहुत ज़्यादा उनको वेट करना होता था भाई कि जब उनका नंबर आए तब वो जाएं और भगवान के दर्शन करें। लेकिन इसी बीच में आपकी क्या होते थे, कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कि कुछ पैसे देकर, चाहे वो पंडा हो या फिर उन मंदिर के जो भी जानकार लोग हो या फिर जिनकी पहुंच आप बोल सकते हो, होता है ना जुगाड़, वो लोग क्या करते थे कि उनको पैसे दे देते थे। पैसे देने से क्या होता था कि उतने लंबे लाइन में उनको खड़ा नहीं होना होता था। ध्यान से समझना बच्चा, वहाँ इस पैसे वो जो पैसे जो खर्च करते, तुम जितने भी पैसे खर्च करते, 500 हज़ार जो भी पैसे वो खर्च करते थे, उससे क्या होता था कि उनको उतने लंबे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता था। और उनको वो क्या करते थे, वो जो लोग जो पैसे लेते थे वो क्या करते थे, दूसरे रास्ते से ले जाके उनको दर्शन करवा दिया करते थे, जिससे कि क्या होता था कि ये लोग जो लोग जो पैसे जो दे रहे हैं इनका टाइम जो है बच्चा वह बच जाता था। तो ठीक ऐसा ही है हमारे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में। नॉर्मली जो आप लाइन में जो लग के हम लोग जो जाते थे ना दर्शन करने, तो वो होता है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स का, जिसमें कि क्या होता है कि हाँ जी नॉर्मल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये जो फॉस्फोलिपिड जो है आपकी बायलेयर फॉस्फोलिपिड जो है, इसके थ्रू नॉर्मली आपके पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स अब जिनको जल्दी इमरजेंसी है भाई, जिनको जमन के पास टाइम नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, तो वो क्या करेंगे, वो पैसे देंगे। और हमारे जो सेल हैं उनकी जो करेंसी होती है वह क्या होती है, एटीपी होती है, एनर्जी, एटीपी। जी हाँ, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि एटीपी के बारे में जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको बता दूं कि देखो बच्चा, एटीपी जो होती है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, वह आपके एक तरह से सेल की एनर्जी करेंसी है। जिस तरह से हम लोग क्या करते थे, हम जैसे कुछ लोग जो है क्या करते थे भाई कि समय बचाना है, हम लोग पैसे दे देते थे, ठीक है भाई 500 हज़ार रुपये ले लो और हमें दर्शन करवा दो। तो वो जो पैसे जो खर्च किए ना बच्चा, बिल्कुल वैसे ही हमारे सेल जो है वो कुछ एटीपी को क्या करती है, खर्च करती है, यानी एटीपी को यूज़ करती है, और प्रोटीन चैनल के थ्रू जो आपके सबस्टांस जो हैं, जो ज़रूरी सबस्टांस है, उसको वह पास आउट करवा देती है। यानी कि हम लोग क्या होते हैं कि लोग भाई लाइन में खड़े पड़े हैं और जो पैसा दिया जिन्होंने, वो साइड से दूसरे रास्ते से निकल के वो दर्शन करके अपने घर तक भी चले जाते हैं और बाकी के लाइन लाइन बाकी के जो लोग हैं वो लाइन में लगे रह जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी होता है। अब देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात की जाए तो क्या है, तो फॉस्फोलिपिड की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है आपके कि इट्स अ सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन दैट कैन कंट्रोल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, दैट विच काइंड ऑफ आयन और मॉलिक्यूल विल एंटर इन अ सेल और विच मॉलिक्यूल विल लीव द सेल। यानी कि जब आप ऐसे जगहों पे आप जाते हो बच्चा, अगर मंदिरों की अगर बात की जाए, जब हम मंदिर की बात ही कर रहे हैं, तो जब आप जाते हो तो क्या किया जाता है भाई कि आप ना तो मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके जा सकते हो, ना ही किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह लेके जा सकते हो। तो वहाँ पे जो चेकिंग वगैरह होती है, यानी वहाँ पे आपको क्या होता है, एक परमिशन दी जाती है कि अगर आपके पास इस तरह के सब्सटेंसेस अगर नहीं हैं, या इस तरह के जो भी गैजेट्स वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो ही आप एंटर कर सकते हो। और अगर आपके पास इस तरह के कोई मोबाइल फ़ोन कैमराज या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह अगर आपके पास हैं, तो आपको पहले उसको हटाना पड़ेगा। दैट मीन कि आप कहीं उसको लॉकर वगैरह में रखवा दो या फिर कुछ भी, तो आप जा सकते हो, तभी आप जा सकते हो। यानी तभी वो वहाँ के जो गार्ड वगैरह जो होंगे या फिर जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी होगी आपको परमिशन देती है। ठीक उसी तरह से हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चा, वहाँ वो जो है उनके जो फॉस्फोलिपिड है बच्चा, वह क्या है, आपके सेलेक्टिव परमेबल नेचर के हैं। यानी कि वह भी गिने चुने पार्टिकल्स को ही वह जाने देते हैं अपने थ्रू।
अगर वो उनके जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर वो फुलफिल अगर नहीं करती वो पार्टिकल्स, तो वो उसे अलाउ नहीं करते अपने अंदर जाने को। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, अगर आपके पास अगर किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स निकल गई, मोबाइल फ़ोन निकल गया, तो आपको जाने नहीं देगा, बोलेगा भाई पहले इसको फेंक कराओ तब तुमको जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। ठीक उसी तरह से हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके फॉस्फोलिपिड सेलेक्टिव नेचर के होते हैं, यानी ये भी गिन चुन के बोलेंगे भाई देखो तुम, हाँ तुम सही हो तुम आ जाओ अंदर, तुम सही नहीं हो तुम जाओ, इस तरह का इनका भी कुछ नेचर होता है। अब अगर बात करें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन अपॉन द अरेंजमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन दैट प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। जी हाँ बिल्कुल, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स के जो प्रोटीन और लिपिड्स जो होती है बच्चा, उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है उनका सेलेक्टिव परमिएबिलिटी नेचर। एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट मान लो कि जो आप मंदिर में गए, ठीक है, वहाँ पे पुलिस वाले या फिर जो भी है कांस्टेबल जो भी हैं सिक्योरिटी वगैरह, अगर मान लो थोड़े से वो लालची किस्म के निकले, अब क्या करोगे, बोलेंगे भाई 100-200 ले लो ना, हमको जाने दो ना, भाई मंदिर के अंदर का व्यू लेना है। अब भाई ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने उनको लालच दे दी, वो क्या करेंगे, अच्छा ठीक है 100-200 नहीं भाई 500 दे दो तब तुमको जाने देंगे, वो क्या करेंगे चुपके से 500 रुपये ले लेंगे आपसे और आपको बोलेंगे जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं कमी जो आई वह कहाँ आई, वैसे जनरली अलाउ तो नहीं था, किसी भी बंदे को जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उनको जाना अलाउ तो नहीं था, लेकिन अब तो चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि कमी किस में थी, कमी उनके सिक्योरिटी में कमी थी, उनके जो पर्सन जो थे जो कि ग्रीड नेचर के थे, जो लालची नेचर के थे, उनमें कमी थी, उनके कारण अब जा पाए। अगर उनमें से ऐसा कोई बंदा अगर ना होता, अगर सारे के सारे बंदे अगर ऑनेस्ट होते और वो अगर आपको जाने नहीं देते, बोलते भाई कुछ भी कर लो हम तो तुमको नहीं जाने देंगे, तो क्या आप या हम जैसे कोई अगर जा पाता, बिल्कुल नहीं जा पाता। तो उसी तरह से बच्चा हमारे जो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें कोई भी उनके थ्रू अगर पार्टिकल्स अगर जो जा पाते हैं, गिने चुने जो पार्टिकल्स जा पाते हैं, यानी उनकी जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की जो नेचर है बच्चा, वो किस बात पर डिपेंड करती है, उनके लिपिड और उनके प्रोटीन के अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि मंदिर में आप जाते हो तो वहाँ आप बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, या फिर आप क्या कोई बंदा अगर गन लेकर घुस जाए, बम लेकर घुस जाए, तो भाई अगर वह घुस रहा है ये सब चीज़ लेके, तो उसमें किसकी गलती है, गलती यहाँ पे होगी आप बोलोगे भाई गवर्नमेंट की गलती है, आपके पुलिस की गलती है जिन्होंने सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं किया। आप बोलते हो ना कि भाई देखो यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने अच्छे से अरेंजमेंट नहीं किया होगा, यहाँ पे जो पुलिस जो है वो उसने सिक्योरिटी टाइट नहीं रखी होगी इसलिए बंदे घुस गए। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई पार्टिकल्स, अनवांटेड पार्टिकल्स अगर वह घुस जाता है आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आपके सेल में, तो वहां जिम्मेदार कौन होगा, वहां पे आपका लिपिड और प्रोटीन जिम्मेदार होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लिविंग बॉडी बिकॉज सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेन और सपोर्ट अ फेज ऑफ होमियोस्टेसिस। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन जो है बच्चा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो हो रही है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग बॉडी का। क्यों, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन ही है जो कि हेल्प करते हैं होम्योस्टेसिस में। अब ये होम्योस्टेसिस क्या है, देखो होम्योस्टेसिस जो होता है वो हमारे इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर का मेंटेनेंस होता है, यानी हमारे शरीर का एक अपना टेम्परेचर होता है। अब सिंपल सी बात है, मान लो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, जब एक्सरसाइज करते हैं खूब दौड़ते हैं खूब, तो हमारी सांस एकदम तेज चलने लगती है, हमारा जो बॉडी जो है अगर आप टच करके देखो तो गाल वगैरह गर्दन के पास आपको हीट फील होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये क्या होता है, ये नॉर्मल हो जाता है। क्यों, अगर क्या होगा अगर ये जो है कंटिन्यूसली अगर होता रहे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आपके बॉडी ने क्या करा, उस टेम्परेचर को उसने मेंटेन कर लिया। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब में आपके सेल मेम्ब्रेन हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि
आपके सेल को जो जरूरी पार्टिकल्स या जरूरी सबस्टांस जो चाहिए वो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, अलाउ करता है कि भाई जल्दी से आ जाओ अंदर, ठीक है, और जो जरूरी नहीं है उसको सीधे बाहर फेंक देते हैं। ठीक वैसे जैसे अगर बात की जाए थिएटर की, बात करते आप लोग कभी ना कभी मूवीज देखने तो गए होगे, भाई बहुत बार गए होगे। पहले के टाइम में क्या था, जब लोग सुनते हैं, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं जब बहुत छोटी थी तब मैं सुनती थी अपने घर में बहुत लोगों से सुना कि भाई मूवीज जाते थे देखने, तो वो लोग क्या करते थे ना, घर से खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो लेकर जाते थे। बोले यार सही बात है क्या भाई, जब से मैंने होश संभाला तब से तो मैं देख रही हूँ भाई कि अलाउ ही नहीं है यहाँ पे। तो थिएटर में आप जाओगे डायरेक्ट वहाँ पे लिखा रहेगा आपके क्या, जो भी आप खाने पीने की चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते, आपको वहाँ पे परचेस करने होंगे, ठीक है। अगर आप लेकर जाते हो आपको क्या करते हैं, वो थ्रो आउट करवा देते, भाई फेंक दो इसको, आपको लेके जाना नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है यार, पॉपकॉर्न आप बाहर से खरीद के लेकर जाओ या उनके यहाँ से खरीद के लेकर जाओ। अब ऐसा तो नहीं है कि बाहर से मैं पॉपकॉर्न खरीदूंगा और वो अंदर लेकर जाते ही वो भाई चिप्स में बदल जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी उनके रूल एंड रेगुलेशंस हैं, भाई आपको खरीदना है तो वहीं से खरीदना है, इधर आपको नहीं खरीदना है, ठीक है। ठीक उसी तरह से बच्चा आप क्या होता है, हमारा जो सेल जो है उनको जो ज़रूरी जो लगता है, ठीक है, उनको जो ज़रूरी लगता है वही चीज़ों को वो क्या करते हैं, वो अपनी अंदर लेते हैं, यानी इनसाइड वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और जो चीज़ें उन्हें उनके लायक नहीं लगती वो उसको थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक वैसे जैसे कि आपके जब आप जाते हो मूवी थिएटर में तो वो लोग चेकआउट करते हैं ना, चेकिंग वगैरह करते हैं ना, क्या करते हैं आप जो भी चीज़ लेकर जाते हो पहले तो आपको चेक करते हैं, अगर आपके पास कुछ भी अगर खाने पीने की चीज़ें अगर अलग से अगर निकल गई तो बोलेंगे भाई साहब इसको आप फेंक दो, इसको हटा दो। हाँ अगर आपको लेना है तो हमारे जो यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह हैं आप उनसे ले लो, और वही चीज़ अगर आप लेकर एंटर करोगे तो आपको आराम से लेकर जाने देंगे। लेकिन अगर आप बाहर से अगर आप कुछ लेकर जाओगे तो वो आपको लेकर नहीं जाने देंगे, यानी जो उनको ज़रूरी लगा उसी को उन्होंने क्या करा, अपने अंदर आने दिया, और जिनको जो ज़रूरी नहीं लगा उनको सीधे थ्रो आउट करवा दिया। ठीक ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ आपके सेल मेम्ब्रेन के पास होती है बच्चा, और सेल मेम्ब्रेन ही जो है वह अलाउ करता है इस तरह के ट्रांसफर को, इस तरह के पार्टिकल को ट्रांसफर को, और इस तरह के प्रोसेस के थ्रू आपके जो सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चा वह आपके सेल के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अब देखो बात की जाए कि विद इन क्या कहा जा रहा है कि होमियोस्टेसिस विद इन सेल्स, सेल्स में चाहे वो टिश्यू हो सकती है, ऑर्गन्स हो सकती है, ऑर्गन सिस्टम हो सकती है, और ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तो आपके ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए और उनको हेल्दी और अलाइव रखने के लिए। अब सिंपल सी बात है, टेम्परेचर अगर बॉडी का अगर मेंटेन ना रहे, ध्यान देना बच्चा हमारे बॉडी में इतने सारे केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं बच्चा, अब ये रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर ही अगर कंट्रोल ना हो तो क्या ये केमिकल रिएक्शंस जो है वो कंटिन्यूसली जो प्रॉपर जो तरीके से जो चलते आ रहे हैं वो क्या चलेंगे, नहीं चलेंगे, और इससे हम या आप बीमार पड़ जाएंगे और हो सकता है हमारी जान को भी खतरा हो जाए। क्योंकि जब ये रिएक्शंस प्रॉपर तरीके से जब ना हो हमारे शरीर में तो भाई हमारे बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह से भाई आप देख रहे हो कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और इसका मेंटेन रखने के पीछे ये रीज़न है कि ताकि हम सर्वाइव कर सके और हेल्दी रह सके और ज़िंदा रह सके। अब अगर बात की जाए ये सेल ट्रांसपोर्ट की, तो सेल ट्रांसपोर्ट बच्चा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए आई होप आपको कोई डाउट नहीं रही होगी, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।